हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल 111 इंट्यूटिव टैरोट एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सम टाइम विथ मी। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई डू रीडिंग पोस्ट डेली देयर। ठीक है, तो आज होगा ईयरली प्रेडिक्शन फॉर मेष राशि 2021। आपकी सन मून राइजिंग और वीनस राइजिंग अगर मेष राशि में है, एवरीज में है, तो ये आपकी रीडिंग है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम्स मैंने दिया है, तो प्लीज़ उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कैरियर जॉब जिसमें भी आपको रीडिंग चाहिए, आप डायरेक्टली टाइम्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शफल दिस कार्ड। आपकी 12 मंथ में आपकी एनर्जी कैसे रहेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 12th कार्ड फॉर एनर्जी स्पेस, देखते हैं आपकी पहली मंथ 2021 में जनवरी में कैसे रहेंगी। वाओ, नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट होने वाला है 2021 की पहली मंथ से ही, जनवरी से ही। कुछ ना कुछ एवरेज के लिए एक नया स्टार्ट होगा, वो गार्डन, वो डोर आपके लिए ओपन रहेंगे। आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, वो एक फूल की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा स्प्रिट में, बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे आप पहले मंथ में ही। कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, जैसे आप थोड़ी एनर्जाइज फील करेंगे। डोर टू रोमांस, 3-3 फेब्रवरी का मंथ है, डेफिनेटली वैलेंटाइंस का मंथ है, तो डेफिनेटली वो रोमांस आपकी लाइफ में फेब्रवरी में डेफिनेटली रहेंगे। अब मैरिड है, सिंगल है, कुछ भी, बट डेफिनेटली रोमांस फेवरी में डेफिनेटली आपकी रहेंगे। वो जो लॉक थी ना, वो लॉक की चाबी आपके पास रहेंगे। 3-3 एंजल नंबर है, मास्टर नंबर है, डेफिनेटली कुछ मेजर कुछ फेवरेट में आपकी होगी, स्पेशली अबाउट लव लाइफ। मार्च में देखते हैं। वाओ, डोर टू वैल्यू नंबर 31। यहाँ पर जैसे अबंडेंस की, अगर आपको फाइनेंशियली आपको अपने 2020 में स्ट्रगल किया है, तो डेफिनेटली वो मार्च के आसपास आपको वो राहत आपको मिलेगी। डोर टू वैल्यू, वो बहुत, जैसे आप देख रहे हैं ना किस तरह से वो फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी फेब्रुअरी टू मार्च के आसपास। कुछ ना कुछ आपको नए जॉब मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसे डेफिनेटली होगी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। 26 फोर्थ मंथ में आपकी अप्रैल में हॉस्टिलिटीज की एनर्जी है, वो थोड़ी बहुत वो अपने आप को डिफेंड करना, ये अच्छी एनर्जी है, इट्स वेरी ऑस्पिशियस एनर्जी कि अपने आप को डिफेंड करना। नंबर 26 आपकी एज हो सकती है, 8 आपकी लाइफ पर नंबर हो सकते हैं, 8 मीन्स कर्मा, 8 मीन्स सैटर्न, 8 मीन्स सक्सेस। तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी इस सक्सेस को रोकने की कोशिश करेंगे, आप भी स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेंगे, वो अपने लिए अपने वॉइस को राइज करना, वो असर्टिव आप रहेंगे, उस एनर्जी में आप रहेंगे। वेरी नाइस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन नंबर 13, यहाँ पर जैसे आपको फाइनेंशियल वो राहत मिली, यहाँ पर वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, तो एक्स्ट्रा वैगेंट आपको नहीं होना है, वो सेविंग्स की भी जरूरत है आपके लिए। ठीक है, सेविंग्स की भी जरूरत है मंथ 5 में। अब देखते हैं जून में, 6 में क्या है। द थिंकिंग वूमेन, आप बहुत ज़्यादा वो सोच विचार, ये मुझे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी लग रही है, बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। जैसे आप बहुत कुछ सीखेंगे जून में कोई कैरियर के लिए, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स की एनर्जी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोचेंगे। 4 एंड 7 की एनर्जी है, नंबर 11, हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए बहुत मतलब सोचेंगे उनके बारे में, यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। मंथ जुलाई में देखते हैं आपकी एनर्जी। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, एक हील हो गया, आपकी जो भी ब्रोकन हार्ट थी ना वो हील हो गई। एक कार्ड ब्रोकन हार्ट की कार्ड एक हीलिंग की कार्ड है, ये कोई डरावनी कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये एक हीलिंग का कार्ड है। आपकी जितने भी पास्ट ब्रोकन हार्ट है ना, आपकी जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है वो सब हील होंगे। अगस्त में देखते हैं। वाओ द सन, देखिए
नंबर 9 एंड बैक टू बैक, आपकी जुलाई एंड अगस्त की बैक टू बैक देखिए, आपने कार्ड अपनी जो हील हुआ ना आपकी जो हार्ट, उसके बाद एक रीजनरेशन होना, रीजनरेट करना अपनी सोल को। द सन एक अबंडेंस होती है, सन एक सक्सेस होती है, अल्टीमेट विक्ट्री होती है। तो जब आप हील हो जाएंगे ना, तो वो विक्ट्री, एक नया स्टार्ट आपके जीवन पर आएंगे। मंथ 8 में देखते हैं, मंथ 9, 9 है सॉरी, द टेम्पल पाथ। यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी, हो सकता है कोई सेक्टर रिचुअल्स वगैरह करेंगे। मुझे यहाँ पर जैसे लग रहा है कोई मैरिज सेरेमनी भी है, जैसे किसी की मैरिज सेरेमनी है, कोई एंगेजमेंट है, कोई रिसेप्शन, ऐसे कुछ भी हो सकती है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन रहेंगे मंथ 9 में। मंथ 10 में देखते हैं, ऑल टाइड अप, 2-3 की एनर्जी, 23। यहाँ पर जैसे आपकी जो भी लाइफ में वो रिस्ट्रिक्शन है ना, बहुत सारे लोगों की, जैसे आपको मतलब आपके ऊपर कंडीशन लगाया गया था ना, वो कंडीशन, वो रिस्ट्रिक्शन से आपको राहत मिलेगी। आप जैसे कहीं जगह पर बंधे हुए थे, वो स्टकनेस से ना, उससे भी आपको राहत मिलेगी। 11 नवंबर में देखते हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 19। बहुत ज़्यादा वो हीलिंग जैसे आपका शुरू ही हो गया था वो 7 मंथ से, वो जाकर एक क्लाइमेक्स से पहुँचेंगे आप। वो बहुत ज़्यादा वो मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली अवेकन रहेंगे, बहुत ज़्यादा रेस्ट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी हो, बहुत जैसे आपको अल्टीमेटली आप हील हो जाएंगे। दिसंबर देखते हैं, 21 में, 2021, डोर टू स्प्रिंग, वाओ, नंबर 32 की एनर्जी है। जैसे आप स्प्रिट से कनेक्टेड हो जाएंगे, आप इतना अपने आप को स्प्रिट से कनेक्ट कर पाएंगे कि स्प्रिट भी आपके साथ, एक आपकी सोल और स्प्रिट की सोल एक अलाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर डव की एनर्जी है, डव एक पीस मैसेंजर होते हैं, आपके जीवन पर वो सुकून लाएंगे। जब 2021 की वो लास्ट नवंबर और दिसंबर होंगे ना, तब आप खुद फील करेंगे उस एनर्जी को, बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी है, रोमांस है, अबंडेंस है, बट आपको एक्स्ट्रा वैगन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस भी है। आपकी हार्ट ब्रोकन भी हील होगी, बट आपको थोड़ी बचा कर खर्चा करना है, ठीक है। आपके कप मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज देंगे। आई हैव ऑलरेडी शफल दिस, दिस इज योर कप मैसेज, ठीक है। यूट्यूब स्टार, हो सकता है आप कोई नया चैनल खोल ले, या फिर आप चाहते हैं कोई, या फिर आपकी कोई पर्सन यूट्यूब स्टार हो सकता है, या फिर आप खुद ही यूट्यूब की मतलब कोई चैनल खोलना चाहते हैं, आप में वो क्रिएटिव एबिलिटीज है। कॉन्ग्रेचुलेशन, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ, यहाँ पर मुझे मंथ से स्टार्ट में लग रही थी, जैसे आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन है, वो विक्ट्री है आपके पास। एक्सपेंशन, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वो ग्रोथ होगी, वो कोई फैमिली एक्सपेंशन हो, मतलब कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो, कुछ भी, कुछ ना कुछ आपका एक्सपेंड होगा, वो बढ़ेगा, वो ग्रोथ होगा। किसी का बिजनेस जैसे एक्सपेंड हो रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस खोल रहा है, वो जैसे एक्सपेंड होती है ना चीज़ें, आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंशन की एनर्जी है। व्हील, व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साथ है। अब 2021 फॉर मेष राशि के लिए बहुत ही लकी रहेंगे, बहुत ही। वर्कहोलिक की एनर्जी है, लाइक आप डेफिनेटली बहुत सारे काम करेंगे, तो आप थोड़ी रेस्ट लेने की भी जरूरत है, थोड़ी रेस्ट रिजुविनेशन की भी जरूरत है। फूल, लीप ऑफ फेथ की जरूरत है, जैसे आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आपके मन में डर है, तो उस डर को भगाकर एक न्यू स्टार्ट, एक फर्स्ट स्टेप, वो इनिशिएशन लेने की जरूरत है। ओह माय गॉड, चिपक गई है इसके साथ, क्या है? ओ एंजल, डेफिनेटली एंजल, यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल गॉड। आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं 2021 में बहुत सारे।
आपकी एनिमल स्पिरिट देखते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? टॉर्टोइस की एनर्जी है डेफिनेटली, वो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगे, थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉर्टोइस ही जीतेंगे। आपने सुना है ना वो हियर एंड टॉर्टोइस की वो स्टोरी, तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, विक्ट्री तो आपकी एश्योर्ड है, आपकी लक है आपके साथ, चीजें सब कुछ डिस्टाइंड है, आपकी होगी, बस धीरे धीरे होगी, आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। और लायन की एनर्जी है, लायन स्प्रिट, लायन क्या कहती है, आपको आपको थोड़ी सी अपनी ईगो ईगो से बचना है, क्योंकि लायन की स्प्रिट है वो प्राइड, वो ईगो से बचना है थोड़ी, क्योंकि आप मार्स की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है और आपकी स्प्रिट है वो लायन, जो कि सन की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है, तो सन क्या है, राजा है, तो सन में क्या है, विनम्रता भी होती है, तो आप में थोड़ी वो शीतलता लाने की भी जरूरत है अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, ऐसे वो प्राइड, वो ईगो, सामने वाले को ऐसे ना लगे कि आप में वो प्राइड है, वो ईगो है, तो उस चीज से आपको बचना है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आगे बढ़कर आपको कोई हेल्प करेंगे, आपकी फाइनेंशियल के लिए, आपकी जॉब के लिए, कुछ भी आपकी लव ऑफर हो, तो उस जगह पर ना थोड़ी वो आपको सोचने की जरूरत है, उस जगह पर वो प्राउड होना की एनर्जी, वो इगोइस्टिक होने की एनर्जी, उस एनर्जी से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है। 2021 में अगर आप इस एनर्जी से बाहर रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी सब कुछ डिस्टाइंड होगा, सब कुछ आपकी विश कम ट्रू होगी। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आपकी करियर के लिए टैरोट से हमें क्या मैसेज मिलती है फॉर 2021 मेष राशि के लिए। अगर सन मून राइजिंग वेनस आपके रीज में है तो देखते हैं करियर के लिए क्या मैसेज आते हैं। थैंक यू सो मच। वाव, स्टार की एनर्जी है डेफिनेटली, अगर आप कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक ऐसी एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे 2021 में कि लोग आपको देखकर वो हैरान हो जाएंगे कि ये बच्चा इतना आगे जा सकता है, वो सक्सेस आपको मिलेगी, आपने जो सोचा सोचा भी नहीं होगा 2020 में, वो जाकर आपको 2021 में आपको डेफिनेटली मिलेगी। एक स्टार की ऊर्जा है, बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है, अगर आप स्टूडेंट है कोई मतलब एक आपकी मनपसंद की कोई भी करियर ऑप्शंस आप चूज करेंगे, आप डेफिनेटली उसमें बहुत ही आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी अगर आप स्टूडेंट हैं। अब आप देखते हैं आपकी जॉब और वर्क के लिए, हम पहले देखेंगे अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज आते हैं टैरोट से। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वांड्स की ऊर्जा है, अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आपको जॉब चाहिए 2021 में, तो डेफिनेटली दिस इज बिग येस फॉर यू, बट थोड़ी स्थिरता लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ वांड्स बहुत ही एक इमेच्योर एनर्जी होती है, वो बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी होती है, तो थोड़ी जैसे आपको वो स्थिरता लाने की जरूरत है, थोड़ी अपनी जो इम्पेशेंट की जो एनर्जी है ना, क्योंकि आप एरीज है, आप यू ही एरीज है, एक तो मार्स की एनर्जी से इंफ्लुएंस है, ऊपर से यहाँ पर भी एक फायर साइन आई है, तो वो थोड़ी स्थिरता लाने की जरूरत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपकी जो बड़े है ना, जो आपसे मतलब एजेड है, सीनियर है, उनकी एडवाइस आप लेकर काम कीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और आपको ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम आप डेफिनेटली आप देंगे, तो उसकी रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सॉरी, मेरी कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है, अब देखते हैं अगर आप एम्प्लॉयड है, वर्क में है, ऑलरेडी आप वर्क फील्ड में है, तो क्या मैसेज मिलते हैं टैरोट से हमें फॉर 2021। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा चिंता, एंजाइटी आपको है डेफिनेटली, आप बहुत ज्यादा वरीड हो जाते बहुत जल्दी, बहुत आपको नाइट स्लिप की डिजॉर्डर है, तो डेफिनेटली 2021 में आपको इस एनर्जी से डेफिनेटली आपको निकलना है। मैं आपके लिए और एक कार्ड निकालूंगी, बहुत सारी चिंता वरीड, जैसे दूसरे की काम भी आप खुद कर देते हैं, ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, वो गति मिलेगी आपको,
डेफिनेटली जो काम रुकी हुई है वो गति आपको मिलेगी। अगर आप, मुझे लगता है आप जिस जगह पर काम करते हो उस जगह से भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तो डेफिनेटली एक चेंज की भी ऊर्जा है। तो हो सकता है कि आप जॉब चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ शोर्ट्स की एनर्जी बोर्ड एब्रप्ट चेंज की भी एनर्जी है। मुझे लगता है 2020 में आप जिस जगह पर भी काम करते थे ना, वो उस जगह पे जैसे आप सेटिस्फाई नहीं थे, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, आपकी बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर दिया जाता था, दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी होता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक चेंज की भी ऊर्जा है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं जॉब 2021 में। नाइट ऑफ शोर्ट्स बहुत ही स्पीड, बहुत ही हाई एनर्जी की एक फ्लो होती है, तो थोड़ी सोच विचार कर कर ही आप चेंज करेंगे, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। जब आप चेंज करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो न्यू जॉब के लिए उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेकर तब जाकर आप रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है? अब हम देखेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन 2021 में। थैंक यू सो मच। जजमेंट, वाव, जैसे वो सोए हुए इंसान भी जाग जाएंगे, एक एंजल कार्ड होती है ना जजमेंट। तो डेफिनेटली आपकी जैसे कोई बड़ी रकम आपके अगर फंसे थे ना किसी जगह पर, कोई लीगल इशू भी आपकी चल रही थी, तब वहां भी जाकर आपको आपके फेवर में वो काम बनेंगे। जैसे कोई लॉन्ग टर्म में कोई किसी का पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपके पास रिटर्न आएंगे। बहुत सारी मतलब बहुत सारी दरवाजा फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपकी खुलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी डोर आपके लिए ओपन रहेंगे, जैसे एंजल, जैसे गॉड आपको प्रोवाइड करेंगे। आप मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस एनर्जी लग रही थी, तो यहाँ पर भी जजमेंट आया है। डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारी अच्छी रहेंगी, बट एक्स्ट्रा वैगेंट आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपकी हेल्थ में देखते हैं, यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग भी आपके पास आएंगे पैसों की वजह से, तो थोड़ी सोच समझ कर आपको खर्चा करने की जरूरत है। हेल्थ के बारे में देखते हैं, वाह, वेरी नाइस, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, जस्टिस की एनर्जी है। आपकी हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअलिटी दोनों ही बहुत बैलेंस रहेंगे। आपकी हेल्थ इतनी अच्छी रहेंगी कि आप दूसरों को भी सर्विस दे पाएंगे। आपकी हेल्थ तो ठीक रहेंगी ही, आपकी वजह से दूसरों भी हेल्पफुल होंगे, आप दूसरों को भी वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। आपकी लव रीडिंग देखते हैं, इन दिनों बहुत सारे चैरिटेबल मतलब वो चैरिटी वगैरह भी आप करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी लग रहे थे जजमेंट पे, जैसे आप बहुत सारे चैरिटी करेंगे। इट्स वेरी नाइस, इससे भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारा हेल्प होगी। अब लव रीडिंग देखते हैं, आपकी फर्स्ट सिंगल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सिंगल, वाओ, मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप जिसको भी मैनिफेस्ट करेंगे फॉर सिंगल, वो मैनिफेस्ट होंगे फॉर 2021। बिल्कुल, यू हैव दिस इनफाइनाइट पोटेंशियल, यू हैव दिस कैपेबिलिटी टू ब्रिंग द 5D पोटेंशियल टू दिस 3D रियलिटी। आप में वो पावर है, बस मैनिफेस्टेशन कीजिए, ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्टेशन कीजिए, दिल से कीजिए, ट्रस्ट के साथ कीजिए। देखते हैं कोई रिलेशनशिप में अगर कोई है तो उनके लिए क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, बैलेंस्ड इमोशन रहेंगे। अब रिलेशनशिप में कोई है ना, तो डेफिनेटली आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा इमोशनली आप दोनों ही बहुत बैलेंस रहेंगे। आपकी पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ही डीप इमोशंस उनके मन में आपके लिए है, और आप भी बहुत इमोशनल पर्सन हैं, स्पेशली
वाटर साइन के हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देखते हैं जो मैरिड है, थैंक यू सो मच फॉर मैरिड, टू ऑफ पेंटेकल्स, बहुत ज़्यादा जैसे काम, जैसे फैमिली और प्रोफेशन दोनों को लेकर एक जगलिंग चल रहा है। डेफिनेटली थोड़ी बिजी रहेगी फॉर मैरिड के लिए। मैरिड के लिए मैं और एक कार्ड देखूंगी, हीट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा जैसे एक पास्ट एनर्जी को लेट गो करने की जरूरत। अगर आपकी 2020 में बहुत ज़्यादा वो कुछ कन्फ्लिक्ट भी आपकी कंजुगल लाइफ में थी ना, जैसे आप उस एनर्जी से, उस पास्ट एनर्जी से आप निकल जाएंगे। एट ऑफ कप्स बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड होता है, ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। एक एक पास्ट को लेट गो कर कर एक नया शुरुआत, एक नया स्टार्ट होना। डेफिनेटली जैसे यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी जा सकता है, जैसे आउट ऑफ कंट्री कोई जाए अपनी अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, ऐसी भी एनर्जी है जिसकी वजह से आप थोड़ा अपसेट रहेंगे कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ रहा है, या फिर आपके हस्बैंड जा रहे हैं, आपकी वाइफ जा रही है, तो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है फॉर 2021। जॉब पर्पस, ऐसे कोई काम की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है, तो इस एनर्जी की वजह से आप थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ी बहुत टेंशन आपकी रहेंगी फॉर मैरिड के लिए। अब हम देखेंगे आपकी रोमांस एंजल ओरेकल। पहले हम सिंगल के लिए देखेंगे, फॉर सिंगल, थैंक यू, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। डेफिनेटली योर सोलमेट इज कमिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो आपके सोलमेट डेफिनेटली आ रहे हैं, बट उनमें और आप में थोड़ी वो मेंटेलिटी के डिफरेंस हो सकती है, कोई एज डिफरेंस हो, कोई कल्चर, कोई स्टेटस डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़े ओपन माइंड रहने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में जो है ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ट्रस्ट की ज़रूरत है रिलेशनशिप में आपके। हम मैरिड के लिए देखेंगे फाइनेंस एंड कैरियर, ओ माय गॉड, फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कोई फाइनेंशियल करियर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं, कोई जॉब पर्पज़ के लिए कोई बाहर है, ऐसे एनर्जी यहाँ पर है। मैरिड के लिए मैं और एक देखूंगी, forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moments. Oh my god, I've already told you, जैसे किसी past energy को forgive करने की जरूरत है। thank you spirit, thank you so much, जैसे किसी की past energy को forgive करने की जरूरत है, बिल्कुल, जैसे किसी कोई अपनी family छोड़कर जा रहे हैं, कोई ऐसी energy है यहाँ पर। okay, अब हम आपके oracle message देखेंगे, आपकी मदर अर्थ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर एरीज को। फॉर 2021, थैंक यू सो मच, वूइंग एक्टिवेशन, आपको प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। जैसे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर किसी चीज़ को शुरू करने के लिए आपको मन में बहुत ज़्यादा वो साई फीलिंग्स है, वो इंट्रोवर्ट है, आपको डर लगता है, तो थोड़ी वो एक्टिवेट होने की, वो उस चीज़ को फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, और वो आप डेफिनेटली 2021 में आप लेंगे। अब हम देखते हैं आपकी मोनोलॉजी डेक से स्प्रिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, इट टाइम टू गिव रदर देन टेक। यहाँ पर भी जैसे आपको डोनेशन के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं आपकी स्प्रिट, जैसे थोड़ी आपको देने की जरूरत है। यहाँ पर भी सिक्स ऑफ पेंटेकल्स की ऊर्जा थी ना, तो थोड़ी देने की जरूरत है तब आपके आएंगे, मतलब नेचर के ही रूल है, जितना आप देंगे उतना ही आपके पास लौटेंगे। थोड़ी बहुत वो लोगों की मदद कीजिएगा, अगर आपके बस में है आपसे लोग मदद मांगे तो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा जितना आपसे हो पाए। थोड़ी यहाँ पर जैसे आपसे कह रहे थे ना, वो प्राइड ईगो इशू को छोड़ने की जरूरत है, थोड़ी विनम्र होने की जरूरत है, थोड़ी मदद करने की जरूरत है लोगों की, उससे आपकी ही मदद होगी।
आपकी हीलिंग कार्ड से देखते हैं कि क्या हील करने की ज़रूरत है आपको फॉर 2021। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सपेक्ट ए मिरेकल, बिल्कुल। आपकी जो कप मैसेज थी ना, वहाँ पर भी एक मिरेकल की ऊर्जा थी, तो यहाँ पर आप मिरेकल एक्सपेक्ट जरूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मिराक्यूलसली होंगे, जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा 2020 में, वो चीज़ आपकी डेफिनेटली होंगी। अब हम कार्ड चार्म्स देखेंगे। ये मेरी हैंडमेड कार्ड चार्म्स है, 60 हैंडमेड मेरी कार्ड चार्म्स है। इनमें देखेंगे आपकी 2020 वन के लिए क्या चांस आते हैं। ये मेरी खुद की बनाई हुई है, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग और ये मेरी हैंडमेड कार्ड चांस। आई पिक फोर कार्ड। थैंक यू सो मच। वाह, वेरी नाइस। यहाँ पर भी एक मिरर की एनर्जी है। मिरर एक मैजिशियन की एनर्जी होती है। मिरर मतलब जो भी आप कहेंगे ना, उतना ही मतलब आपकी मन में जो पॉजिटिव थिंकिंग है वही रिफ्लेक्ट होगी। अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो वही रिफ्लेक्ट होगी। तो थोड़ी पॉजिटिव अफर्मेशन लीजिए, इससे आपकी हेल्प होगी। मिरर से मुझे ट्विन फ्लेम की भी वाइब्स लग रहा है, जैसे आप कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। रैबिट एक फर्टिलिटी का होता है, एक अबंडेंस होती है, एक एम्प्रेस की एनर्जी को रैबिट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रांग फर्टिलिटी भी है, अबंडेंस है। आपकी मेष राशि की मुझे शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा वो अबंडेंट की एनर्जी लग रही थी। चेन, आपकी लाइफ में जो भी रेस्ट्रिक्शन थे ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी मुझे एक रेस्ट्रिक्शन दिख रहे थे, ऑल टाइड अप। उस रेस्ट्रिक्शन से आपको मुक्ति मिलेगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देखिए किस तरह से एक ही चांस टू टाइम्स आपकी आई है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन आपकी 2020 में डेफिनेटली रहा होगा, उससे आपको राहत मिलेगी। एक शेल्टर आपको मिलेगी थ्रू अम्ब्रेला एनर्जी, एक शेल्टर आपको मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, बोन फायर, एक सेलिब्रेशन। विंटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, आपकी स्टार्टिंग जनवरी भी विंटर है, तो डेफिनेटली विंटर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। एक छोटी मोटी सेलिब्रेशन घर पे हो सकती है विंटर सीजन में, छोटी मोटी पिकनिक, कोई वैकेशन, मतलब कुछ ऐसे छोटी मोटी ट्रिप हो सकती है। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत सारे आपकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हो, कोई रिलेशनशिप हो, कुछ ना कुछ में आपकी रिस्ट्रिक्शन, आप स्टक थे, उस चीज से आपको मुक्ति मिलेगी। एक सेल्टर, एक राहत, एक कंफर्टेबल जोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा 2021 में। स्प्रिट आपको वो जोन, आपको वो कंफर्टेबल जोन आपको देंगे। और मुझे यहाँ एक लव ऑफर लग रही है, जैसे क्योंकि अम्ब्रेला रेड है, एक पैशनेट कनेक्शन है यहाँ पर। आप मैरिड भी है तब भी जाकर वो रिलेशनशिप एक प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ पर स्ट्रांग फर्टिलिटी भी है, और थोड़ी पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए जितना, क्योंकि आपकी मैजिशियन की ऊर्जा है, तो आप जो भी सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगी। तो आप अपनी सोच पर जरूर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपकी सोच आपके हाथ में है, आपके मन में है। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लावर वर्स को ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर कोई प्लेटर वे में कोई चीज अगर रखेंगे तो वही रिफ्लेक्ट होगा। तो अपनी नेगेटिव सोच को लेट गो करने की जरूरत है। पॉजिटिव एफर्मेशन लीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएंगे कि आपको रीडिंग कैसे लगी। थैंक यू सो मच।